Gitu Mirpuri from Divine to Chilling Academy. Divine to Chilling Academy में न्यूमरोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट होते हैं और ये क्लासेस आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. आपको बेसिक और एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाया जाता है जिसमें जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. ये वीडियो बन रहा है आपको बताने के लिए कि नंबर 6 वालों में क्या क्वालिटीज होती है. जो भी लोग 6 पे बॉर्न है, कोई भी मंथ की 6 डेट को अगर आप बॉर्न है तो आपके अंदर क्वालिटीज होते हैं वीनस प्लैनेट की. वीनस प्लैनेट जो है इसको लग्जरी का प्लैनेट कहा गया है, इसे कंफर्ट लाइफ का प्लैनेट कहा गया है. तो नंबर 6 वाले जो होते हैं पहले तो बहुत ही गुड लुकिंग होते हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है नंबर 6 वालों की, और जल्दी वो लोगों को आकर्षित करते हैं. जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखते हैं ज्यादा करके उसमें नंबर 6 की क्वालिटीज हैं. आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल होती है. एक ड्राइवर भी अगर 6 नंबर का है तो उसे BMW मर्सिडीज चलाने के लिए मिलती है. एक मेड भी अगर 6 नंबर की है तो उसे बंगलों में कम काम करना होता है और सैलरी ज्यादा मिलती है. आप पैसे को जल्दी अट्रैक्ट करते हो और कम से कम मेहनत में आप ज्यादा पैसे कमाते हो. नंबर 6 के जो लोग हैं उनको लाइमलाइट का बिजनेस बहुत पसंद है. आप ऐसा बिजनेस चूज करते हो कि जहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे. जैसे आप सिंगिंग लाइन या म्यूजिक लाइन या फिर आप एक्टर बनेंगे तो ऐसे आप क्राउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो और आपको लाइमलाइट में आना, बहुत फेमस बनना बहुत पसंद आता है. पैसा आपके पास बहुत आता है, बहुत इजीली आता है, पर उसको संभालना नंबर 6 वालों को नहीं आता है क्योंकि आपके खर्चे भी उतने होते हैं. नंबर 6 के जो लोग हैं वो ब्रांड के बगैर रह नहीं पाते हैं. आप एक सिंपल शॉपिंग के लिए भी जाते हो तो ब्रांडेड चीजें खरीद कर आते हो. आप ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, ब्रांडेड पर्सेस, ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह परचेज करते हैं, परफ्यूम्स परचेज करते हैं और आपको सब चीजें चाहिए. मतलब आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो. नंबर 6 के जो लोग हैं वो अपने लुक्स को, अपने अपने आप को कैसे आप दिखते हो उसको आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हो नंबर 6. और रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एक राइट पार्टनर आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है. अगर आपके लाइफ में पार्टनर नहीं होता है या एक गलत पार्टनर आपके लाइफ में आता है तो आपकी पूरी लाइफ से होप्स छोड़ देते हो. सो नंबर 6 के जो लोग हैं वो उनको संभल कर अपना पार्टनर ढूंढना चाहिए और बहुत संभल कर रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए. आपको हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादा करके गायनिक से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं. फीमेल्स जो हैं उनको मेंसेस से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं. तो आपको बिगनिंग से बहुत ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ पर. ज्यादा एक्सर्ट आपको नहीं करना चाहिए. आपको रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए. और एडिक्शंस की तरफ, क्योंकि आपका सोशल लाइफ बहुत ज्यादा होता है तो बाहर खाना खाना, ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग, शो ऑफ के लिए बहुत चीजें आप करते हो, आपको वो कंट्रोल करने होते हैं. और आप आध्यात्मिक भी होते हैं पर ज्यादा आप एक्सटर्नल मतलब दुनिया को दिखाने के लिए थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं, पर जितना आप अकेले में बैठकर मेडिटेशन, योगा वगैरह करेंगे उतना नंबर 6 वालों को फायदा होता है. थैंक यू.